कलाकार संदीपा बागरिचा की कला प्रदर्शनी का श्री प्रदीप महापुस्तिका और श्री भगवान दास जी के हाथों सेंटर सर्कुलर आर्ट गैलरी वली मुंबई में हुआ है। कला प्रदर्शनी 29 अगस्त सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। नमस्ते, मैं हूँ संदीपा बागरिचा। नेहरू सेंटर की सर्कुलर गैलरी में मैंने आह्लाद नाम की सीरीज के साथ में एक सोलो शो का आगाज किया है। इस शो के अंदर मैंने प्रकृति के साथ में जो संरचना क्रिएट होता है, क्योंकि आह्लाद जो होता है वो हमें कुछ क्रिएट करने पे होता है, खुशी आह्लाद हर्ष जो होता है वो कुछ सृजन होने पर होता है, और वो जो सृजन है वो हमारा प्राकृतिक सृजन जिस तरह से आकार लेता है, उसकी जो खुशी होती है वही खुशी मैंने इन रचनाओं को बनाने के दौरान की, और वही रचनाएं और उन्हीं को आकार लेकर के मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ मैंने 29 पेंटिंग्स डिस्प्ले किए हैं। उन सभी पेंटिंग्स का एक अपना थीम है, अपना एक उद्देश्य है। मैं एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक आर्टिस्ट हूँ, जिसके अंदर मेरे हर पेंटिंग के अंदर, हर रचना के अंदर कुछ एक कहानी है, कुछ एक सिंबॉल है, कुछ एक मैसेज है। एक नया क्रिएशन नए टेक्सचर के साथ में मैंने प्रेजेंट। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि रचना जब हम छोटे होते हैं, बचपन से होते हैं, तभी से हमारे अंदर कूट कूट करके प्रकृति प्रदत्त ये गुण होता है कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ गढ़ सकते हैं। अब वो गढ़ना, वो आकार लेना, वो इस तरह से कि लोग उसे आपके नज़रिए से समझ सकें, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हालाँकि मैंने ये यात्रा लगभग 6-7 साल पहले शुरू की थी। मेरे कई ग्रुप शोज भी हुए हैं जिनके दौरान मैंने इसी तरह की कुछ रचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया है, उन्हें प्रेजेंट किया है। लेकिन ये रचनाएं जो हैं वो अपने आप में एक नया आयाम, नई विंडो आर्ट के मीडियम में खोलती हैं, जहां मैंने अपने इन एक्सप्लेनेशन के साथ में इन्हें प्रेजेंट किया है। मेरी अपनी वेबसाइट पे मैंने इनको QR कोड से भी प्रेजेंट किया है, जहां आप मुझे सुन सकते हैं इनके लिए। देखिए, ऐसा होता है कि हम आमतौर पर कहते हैं कि हर एक यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन उस यात्रा में आपके साथ कौन, कब, कहाँ और कैसे चलेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके साथ चलने वालों पे, किस तरह से वो आपका साथ देते हैं। यहाँ पे इस जर्नी के दौरान, इस लर्निंग जर्नी के दौरान, क्योंकि मेरी हर पेंटिंग के अंदर आपको एक थॉटफुलनेस मिलेगी, बहुत सारा उसके पीछे स्टडी होती है, तो वो जो स्टडी होने के लिए आपको जितनी तरह के लोगों का सहयोग मिलता है, जितनी तरह लोगों का सपोर्ट मिलता है, उन्हें मैं ऐसे उंगली पे तो नहीं गिना सकती, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए ज़रूरी होता है। तो इस यात्रा के दौरान मुझे सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे कुछ मेंटोर भी रहे जिन्होंने मुझे आर्ट के डायरेक्शन में सपोर्ट किया। मैं सेल्फ लर्निंग आर्टिस्ट हूँ, तो कुछ जजेस स्कूल आर्ट के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुझे आर्ट वर्ल्ड की जो बची हुई नस होती है, उस नस को पकड़ना, उस धमनी को पकड़ना सिखाया।
तो मैं शुक्रिया करती हूँ उन सभी का आपके प्लेटफॉर्म से जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए परिवार सबसे अहम होता है। हालांकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा, मेरे पति ये है, लेकिन परिवार जो होता है वो एक संगठन के रूप में काम करता है और आपको उनका सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों होता है। मुझे ये दोनों ही सपोर्ट ना केवल मानसिक तौर पर बल्कि हर स्पेक्ट्रम में, मेरी पेंटिंग्स के क्रिटिक्स हों, मुझे कहीं जाने के लिए प्रोत्साहित करना हो या मेरे हताशा के कोई पल हो, हर जगह से, मेरे छोटे बच्चे से लेकर के मेरे पति ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। इससे पहले मेरे ग्रुप शोज हुए हैं, जो सिमरोजा में हुआ है, जहांगीर में हुआ है, यहाँ नेहरू सेंटर में भी हुआ है, कुछ होटल्स में भी हुए हैं। ये मेरे पुराने शो थे, ये सोलो शो मेरा पहला है जहाँ मैं एक नया अनुभव, नया आभास, नया आह्लाद महसूस कर रही हूँ। और इसके बाद जो आप खुशी के क्षण होते हैं जब उन्हें भोग रहे होते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि आगे क्या, उसके बाद तो बस होता है कि बस अब तो चल पड़ी ये छोटी सी नाव है। तो मेरे लिए भी वही है कि आज बादल पे मेरा पाँव है, छूटा अपना गाँव है, अब तो वही चल पड़ी अपनी ये छोटी सी नाव। 7 days का मेरा एग्जीबिशन है, 23 तारीख आज मैंने इसका आगाज किया है और मैं 29 तारीख तक यहाँ आप इसे इसी रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों से आह्वान भी है, गुजारिश भी है कि आप आइए, इन रचनाओं को देखिए, अपने नजरिए से भी देखिए, मेरे नजरिए से भी देखिए। ये कला का एक नया स्पेक्ट्रम मैंने खोला है, नया विंडो मैंने ओपन किया है। कला हमेशा हमेशा हर किसी के पास होती है, लेकिन हर एक का अपना प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है, प्रेजेंट करने का तरीका होता है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का, आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों से मिलने का। सो प्लीज़ डू कम, डू विजिट एज पॉसिबल इट्स। थैंक यू सो मच।